मोदी सरकार आम जनता को मूर्ख बनाना बंद करे। स्टॉप लाइंग टू द पीपल ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी। झूठ बोलना बंद करे ये सरकार लोगों को, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि रफाल मुद्दे पर अब ये सरकार जो है गलत बयानी कर रही है। कल ये खबर जो है सार्वजनिक हुई है और ये क्या खबर है ध्यान से सुनिएगा कि फ्रांस के न्यूज पोर्टल मीडिया पार्ट ने डसॉल्ट एविएशन उसका एक आंतरिक दस्तावेज उसके हाथ में आया है और इससे स्पष्ट हो गया है कि भारत सरकार ने कहा था डसॉल्ट से, क्या कहा था गौर से सुनिए, कि अगर आप रिलायंस के अनिल अंबानी के साथ समझौता नहीं करेंगे तो आपको 36 रफाल लड़ाकू विमान का समझौता नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप अनिल अंबानी के साथ डील नहीं करेंगे तो आप भूल जाइए। मैं आपको बता दूं कि मीडिया पार्ट को बाकायदा एक आंतरिक दस्तावेज मिला है और वो ये बता रहे हैं कि डसॉल्ट के डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लोइक सिगलन ने यह बात 11 मई 2017 को एक प्रेजेंटेशन के दौरान कही थी। और अब तक भारत सरकार क्या कहती आ रही थी, भारत सरकार का यह कहना है कि रिलायंस को दरअसल किसने चुना है, डसॉल्ट ने चुना है, भारत सरकार ने यह कहा था। आपको याद होगा कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला जिनके साथ यह समझौता हुआ था उन्होंने भी ये बात कही थी कि हमारे पास चॉइस नहीं थी, हमारे पास चुनने का अधिकार नहीं था, भारत सरकार ने हम पर अनिल अंबानी को थोपा, भारत सरकार ने हम पर रिलायंस को थोपा और हमें उन्हें चुनना पड़ा। ये फ्रांसवा ओला के शब्द थे, किसी और के नहीं थे, ये फ्रांसवा ओला के शब्द थे। तो अपने आप में बहुत शर्मिंदगी है, ये हद है और मैं चाहता हूं कि यह मुद्दा जो है जोरों से उठाया जाए। अब यह स्पष्ट हो गया है मोदी सरकार की चोरी पकड़ी गई है, मोदी सरकार जो है अब इस मुद्दे पर उसे जवाब देना होगा, क्योंकि न सिर्फ फ्रांसवा ओलांद जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे जिनके साथ आपने समझौता किया गले मिलके, याद है आपको, न सिर्फ वो बल्कि डसॉल्ट का एक अधिकारी जिसका नाम है लोइक सिगलन, वो खुद कह रहा है कि भारत सरकार का दबाव था जिसके चलते हमें यह करना पड़ा, जिसके चलते हमें अनिल अंबानी को चुनना।